दोस्तों इस समय रीट के एग्ज़ाम को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो 26 सितंबर को नहीं होगा। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी इससे अवगत कराया हुआ है कि दोस्तों आपका रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को ही होगा, ठीक है। देखो भाई, यदि लहर जो थर्ड जो कोविड की लहर नहीं आती है तो उसको भाई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्या है, एक महामारी है, इनका कुछ नहीं पता, कभी भी आ जाए कभी भी चली जाए। लेकिन आपके 101% है 26 सितंबर को ही होगा। देखो दोस्तों, सोशल मीडिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने एक कहानी सुनी होगी ना कि एक रोटी के लिए जब दो बिल्लियों में आपस में झगड़ा हो रहा था तो वहाँ पर एक बंदर आता है और उनका फ़ायदा उठाता है और रोटी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं ताकि आप जो लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप दूर हो जाएं और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपको इस समय को दोस्तों अपने हाथों से नहीं जाने देना है, ठीक है ना। तो आप जितनी ज़्यादा तैयारी कर सकते हो दोस्तों आप करिए, जितना ज़्यादा आप रिविजन करोगे आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और ध्यान रखना, आपका एक एक सेकेंड दोस्तों आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक है। यदि आपने इन एक एक सेकंड का उपयोग नहीं करोगे तो दोस्तों आपको पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। मात्र 2 महीने आप मन तन लगाकर मेहनत कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी दोस्तों सफल हो जाएगी। नहीं तो दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रह जाओगे, ठीक है, और कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, इसको आपको नहीं चूकना है, ठीक है।